तो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन के बारे में। तो यहाँ पे वर्टिकल मिलिंग मशीन है, उसके मैं पार्ट्स बताऊंगा। वर्टिकल मिलिंग मशीन को वर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके एक्सिस जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। इसमें एक्सिस जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये वर्टिकल है, इसलिए इसको वर्टिकल मिलिंग मशीन। जहाँ की हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है स्पिंडल, देखिए। ओके, तो इसके मोशन के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा हुआ है। तो मिलिंग मशीन हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की होती है। तो यहाँ सेक्टर 28 चंडीगढ़ आईटीआई कॉलेज में है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में ये मशीन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके पार्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, हमारे पास ये जो होता है ये है रैम, इसको हम बोलते हैं रैम, और ये है कॉलम। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ मोटर जो है ना वो बैक साइड में लगी हुई है। आप यहाँ पे देखिए, ये मोटर है हमारे पास, मोटर से हमारे पास जो है हमें रोटेशन मोशन मिलेगा और उसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये टेबल है, टेबल, और ये इसकी नी होती है। इसमें ये जो पार्ट है तो ये है अप डाउन करने के लिए। देखिए, तीन एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक्स, वाई और जेड। हम इसमें जेड जो है इस एक्सिस को हम मान लेते हैं। तो हमारे पास जेड में है जो, इसको हम मूवमेंट करेंगे। अगर हम मान लीजिए एक्स में करना चाहते हैं, इसको मान लीजिए एक्स, तो ये एक्स डायरेक्शन में, तो इसको क्रॉस फीड बोल देते हैं। और ये मान लीजिए वाई, तो ये है, हम इससे फीड देते हैं इसको। ओके, तो इसको मूवमेंट देखिए, ये मूवमेंट हो रही है इसकी। इसमें जो है वर्कपीस होल्ड करने के लिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे वर्कपीस होल्ड करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो टूल है जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है, और ये हमारे पास बिट लगाई हुई है। आप एक बार देख सकते हैं इसको, यहाँ पे बिट लगी हुई है, और इसकी आर्मर जो है इसके अंदर है, और इसके साथ इसने टूल जो है फिट किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर मशीनिंग करके दिखाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जो है मिलिंग मशीन का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम इसमें यूज कर रहे हैं, जिसमें एक बिट लगा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो हाइट उसका देने के लिए, देखिए हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए स्टूडेंट यहाँ से सेट कर रहे हैं, और यहाँ से टेबल की फीड दी जाती है। ओके, ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए देखिए, ओके आपको यहाँ से पता लग गया। और इसके बाद टेबल की जो फीड है यहाँ से दी जाती है, तो आपने मोशन जो करना है वहाँ से करना है। तो ये देखिए आप, बहुत खूबसूरत आपको ये कटिंग जो है वो एक्शन दिखेगा। आई होप कि ये जूम सही तरीके से हो गया हो। और यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की हेल्प से इसका वेट जो है वो चेक की जा रही है कि हमारी कटिंग जो है वो सही हुई है नहीं हुई है। ओके, इसलिए वर्नियर कैलिपर आपको आना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है इस मशीनिंग के बारे में समझ सकते हैं। अगर आपको समझ आया तो एक बार लाइक का जरूर बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।